गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कल का टॉपिक कौन सा था अपना? कल लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था अपने? रोहन रोहन कल की क्लास में कौन सा टॉपिक था अपना? लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? रोहन बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास में? सर आ रही है। फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में कौन सा क्वेश्चन किया था पढ़ने? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपनी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर टू में एक्सरसाइज है कौन सी? 2.4। और 2.4 के अंदर आपने क्या स्टडी की है कि जो पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, और पॉलिनोमियल कौन सा था आपका? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। और उस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का आपने क्या किया था? फैक्टराइजेशन किया था। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये था कि आपको एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल गिवन था, ठीक है, उसमें से आपको एक फैक्टर गिवन था, आपको चेक करना था कि ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए यह था आपका कि एक आपका पी एक्स है और एक क्या आपका जी एक्स है। ये जो पी एक्स है और ये जी एक्स है, तो ये जो जी एक्स है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये आपको क्या करना था? वेरीफाई करना था। और इसको वेरीफाई करने के लिए आपने क्या किया कि जो जी एक्स है उस जी एक्स को आपने किसके इक्वल पुट किया था? जीरो के इक्वल पुट करके आपने जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की क्या वैल्यू निकाली? आपने वैल्यू निकाली है, और वैल्यू निकाल करके आपने इस पी एक्स के अंदर पुट किया है। और पी एक्स में पुट करने पर जो इसका रिमाइंडर आएगा या जो पी एक्स की वैल्यू आएगी, अगर वो जीरो आ रही है तो जो आपका जी एक्स था वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर जी एक्स अगर पी एक्स की वैल्यू अगर जीरो नहीं आ रही है तो ये जो आपका जी एक्स है वो क्या नहीं है? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन लेके अभी आज अपन वापस अगेन डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन ये है आपका कि एक्स प्लस वन यानी एक फैक्टर है आपका, क्या है? फैक्टर। और फैक्टर क्या है? एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन ये क्या है आपका? एक फैक्टर है। और किसका फैक्टर है ये? एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर फोर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स और प्लस का वन। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका एक्स प्लस वन है, कौन है? एक्स प्लस वन, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये आपको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे? जो आपका फैक्टर गिवन है उस फैक्टर को एक्स के इक्वल पुट करेंगे। किसके इक्वल पुट करेंगे? एक्स के इक्वल, एक्स प्लस वन के इक्वल पुट करके यहां से एक्स की वैल्यू क्या निकालोगे आप? ठीक है, तो सबसे पहले एक्स प्लस वन इज इक्वल टू में जीरो, और यहाँ पे
एक्स इज इक्वल टू में ये प्लस का वन है, इधर जाके ट्रांसफर जाएगा तो क्या जाएगा यहाँ पे माइनस का वन। तो ये आपने किसकी वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू निकाली है। और अब इस x की वैल्यू को क्या करोगे, जो ये आपका पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, पुट करना है। तो यहां से p और माइनस का वन इज इक्वल टू में माइनस वन की पावर फोर, यानी x की वैल्यू क्या है, माइनस वन है, पावर फोर है, प्लस माइनस वन और x की पावर कितनी है, थ्री है, प्लस और यहाँ पे माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे क्या आपका प्लस वन है। देखो यहाँ पे माइनस में है वैल्यू, वैल्यू किस में है, माइनस में है। और अगर आप इसका क्या करोगे, पावर फोर है, अब ये पावर किस में है, इवन है या ओड है, तो पावर किस में है, यहाँ पे इवन में है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। वन की पावर फोर कितना हुआ यहाँ पे, वन। अब यहाँ पे जो आपका ये वन है इसके ऊपर पावर किस में है, ओड में है, ओड में, इसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। तो यहाँ पे वन का स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन क्या होगा, माइनस वन होगा। तो यहाँ पे प्लस और ये हो गया माइनस का वन। यहाँ पे प्लस में ये इसके ऊपर पावर किस में है, इवन में है, तो माइनस वन का स्क्वायर, माइनस है वन का स्क्वायर, प्लस का वन। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस, अंदर क्या है यहाँ पे माइनस। तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, माइनस माइनस वन और प्लस वन। अब देखो इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो वन ब्रैकेट के बाहर प्लस का है, अंदर माइनस का है, तो माइनस का वन, प्लस का वन, माइनस का वन और प्लस का वन। देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और आपका रिमाइंडर में क्या बच गया, यहाँ पे वन। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, वन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका x प्लस वन है ये क्या है, x की पावर फोर प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस वन का फैक्टर है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से वेरीफाई करना है कि कौन किसका फैक्टर है और कौन किसका फैक्टर है, नहीं है। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फैक्टर करना है। देखो तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको फैक्टर गिवन था, आपको वेरीफाई करना था कि ये फैक्टर है या नहीं। तो आपने क्या किया, इस एक्स प्लस वन को जो भी फैक्टर है उस फैक्टर को आपने जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके आपने किस में पुट किया, यहाँ पे पॉलिनोमियल में पुट किया है। और पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद में अगर रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फैक्टर नहीं होगा। तो ये तो कब है, जब आपको फैक्टर गिवन था। अब आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है, अब आपको फैक्टर निकालना है, और फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस फोरम में गिवन होगा, तो क्वेश्चन किस फोरम में गिवन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फोरम में गिवन होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फोरम में गिवन होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फोरम है वो क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जो भी क्वेश्चन होगा वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन में देगा, फिर आपको क्या करना होगा, इसका फैक्टर करना होगा। यानी एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे कितने फैक्टर होंगे, टू फैक्टर होंगे। पावर अगर थ्री आ रही है वेरिएबल की तो उसके कितने फैक्टर होंगे, तीन फैक्टर होंगे। अगर पावर फोर है तो उसके कितने फैक्टर होंगे, फोर फैक्टर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर कितनी है, फिलहाल अपन किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिसकी पावर टू है इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो आपको इस फोरम में गिवन होगा, क्वेश्चन जो होगा आपका इस फोरम में गिवन होगा। अब उसका फैक्टर कैसे करेंगे, एट क्लास में अपन स्टडी की थी, तो इसके एग्जाम्पल देखो। नंबर फर्स्ट यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस 21, यह आपका एक एग्जाम्पल है, किसका है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। किसका एग्जाम्पल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स और प्लस में क्या है यहाँ पे 21, इसका क्या करेंगे अपन, फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो देखो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है इस कॉन्स्टेंट वैल्यू को और जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे। किस किस को करेंगे, एक तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को और एक जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है
इनको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो गया 21, तो 21 एक्स स्क्वायर। अब ये 21 जो एक्स स्क्वायर है ये प्लस में है माइनस में है, ये प्लस में है। तो जब टू नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है तो दोनों नंबर या तो किसमें होंगे, पॉजिटिव में होंगे, या फिर दोनों नंबर किसमें होंगे, नेगेटिव में होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये साइन चेक करना होगा, तो ये साइन किसका रहा यहाँ पे, पॉजिटिव का है। इसका मतलब टू ऐसे नंबर जिनको प्लस करने पर तो क्या आना चाहिए, 10x आना चाहिए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 21x स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसे कौन से टू नंबर्स हैं, ऐसे कौन से टू नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर, जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए, 21x स्क्वायर आना चाहिए, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट या एड करने पर क्या आना चाहिए, 10x आना चाहिए। तो ऐसे कौन से टू नंबर है बताऊं, 7x प्लस 7x प्लस 21। देखो यहाँ पे 7x प्लस 7x प्लस 3x कितना हुआ, 10x हो गया, और 7x इंटू 3x कितना हुआ, 21x स्क्वायर। आपको क्या करना है नेक्स्ट, इन दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, और फिर इन दोनों में क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका एक्स प्लस 7। एक्स तो कॉमन बाहर आ गया ना यहाँ पे, तो 1x तो यहाँ पे रहेगा, तो ये हो गया एक्स, और ये एक्स बाहर आ गया, यहाँ पे क्या रह गया आपका 7। इन दोनों में कॉमन क्या रहा यहाँ पे, इन दोनों में 3 × 7 21 हो गया, यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे 3 और ये जाएगा आपका x प्लस 7। देखो दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं क्या यहाँ पे, यस सर। तो यहाँ से जाएगा आपका x प्लस 7 और ये जाएगा x प्लस 3। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इसे फैक्टर, इसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के फैक्टर है। तो ये आपने फैक्टर निकाला, और किसका फैक्टर निकाला आपने, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, किसका निकाला है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। अब देखो एक बार, जिसकी पावर 4 हो या जिसकी पावर 3 हो तो उसका फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब पावर 3 है तो उसके फैक्टर भी कितने होंगे, 3 फैक्टर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो एक बार, अब जैसे यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का अगर फैक्टर करेंगे तो कितने फैक्टर निकल के आएंगे अपने सामने, 2 फैक्टर आएंगे। अब अगर पावर 3 होगा, अगर पावर 3 हो तो उसके फैक्टर कितने होंगे, 3। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना एक बार कैसे करेंगे अपन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, बेटा ये रोहन, 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, ये आपके सामने क्या है, एक पॉलीनोमियल है, ठीक है, और सॉरी यहां पर क्या आपका 2 है। अब ये जो पॉलीनोमियल है, इस पॉलीनोमियल में पावर कितनी है, 3, तो इसका फैक्टर कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको अगर इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसकी पावर 4 या जिसकी पावर 3 या जिसकी पावर 5 आए, तो आपको उस पॉलीनोमियल का फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना अपने को। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है उस पॉलीनोमियल में, जो कांस्टेंट वैल्यू है जो कांस्टेंट वैल्यू है, वो कांस्टेंट वैल्यू किस किस नंबर से डिवाइड हो रही है, यानी उस कांस्टेंट वैल्यू का फैक्टर क्या होगा, अपने को पहले ये चॉइस करना है। किसी भी पॉलीनोमियल में जो आपका कांस्टेंट वाली टर्म है, इस कांस्टेंट वाली की टर्म के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो देखो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, जो 2 है तो 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है, प्लस माइनस 1 से डिवाइड हो सकता है, और प्लस माइनस 2 से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो ये दो ही क्या है, इसके फैक्टर है, एक तो प्लस माइनस का 1 और एक प्लस माइनस का 2। प्लस का 1 भी हो सकता है, माइनस का 1 भी हो सकता है,
प्लस का टू भी हो सकता है, माइनस का टू भी हो सकता है, तो वो अपने क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है? इसके फैक्टर निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इन प्लस माइनस का वन है तो इनमें से पहले मैं एक बार प्लस का वन लेके चेक करूंगा। फैक्टर कैसे निकालोगे, एक बार मैं क्या करूंगा, यहां से प्लस का वन लेके चेक करेंगे। तो मैंने एक्स की वैल्यू क्या ली यहाँ पे, प्लस का वन। एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट किया यहाँ पे, प्लस का वन पुट किया यहाँ पे। तो ये जाएगा आपका पी वन इज इक्वल टू, में पुट करो इसके अंदर वन, यानी वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन और प्लस टू। वन का क्यूब क्या होगा यहाँ पे, वन होगा, और टू वन का स्क्वायर वन, और वन इंटू टू कितना हुआ, माइनस टू। यहाँ पे माइनस वन और प्लस टू, देखो ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, कैंसिल हो गया। ये माइनस का टू है और ये प्लस का टू है, ये भी कैंसिल हो गया। इसका रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। इसका रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब एक्स की वैल्यू वन पुट की है, जब आपने एक्स की वैल्यू वन पुट की है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। अब फैक्टर कैसे निकालोगे, देखो एक बार, जैसे यहाँ पे आपको फैक्टर गिवन था, एक्स प्लस वन फैक्टर गिवन था, आपने उसको किसके इक्वल पुट किया था, जीरो के इक्वल पुट किया, और एक्स इक्वल टू माइनस वन की वैल्यू निकाली। यहाँ पे एक्स के इक्वल है, यहाँ पर एक्स के इक्वल है, आप क्या करोगे, इस वन को इधर क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे और फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ये है फैक्टर की फॉर्म में, और इसका मतलब तो क्या हुआ, ये फैक्टर की फॉर्म में है, और इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू है। तो आपको जो एक्स की वैल्यू है उसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, इस वन को इधर ट्रांसफर कर दोगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ पे जो आपका एक्स माइनस वन है, ये क्या है, जो एक्स माइनस वन है ये क्या है, इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है, इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है। क्यों है, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू क्या पुट की थी यहाँ पे, वन पुट की है, और वन पुट करने पर इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू वन अपनी सही है, इसको मैंने किसकी फॉर्म में लिखा, फैक्टर के फॉर्म में लिखा, तो ये अपना क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अभी तक तो आपने क्या निकाला है, ओनली वन फैक्टर निकाला है, अभी आपको टू फैक्टर और फाइंड आउट करने हैं। तो टू फैक्टर यहां से कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तो ओनली वन फैक्टर है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे पावर कितनी है, थ्री है, तो फैक्टर कितने आने चाहिए, थ्री फैक्टर आने चाहिए, जबकि फैक्टर तो अभी एक ही है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट आप जो टू फैक्टर निकालोगे, वो टू फैक्टर कैसे निकालोगे, जो आपने ये फैक्टर निकाला है, इस फैक्टर से इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करोगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस पॉलीनोमियल से इस पॉलीनोमियल को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने पे जो क्यूटेंट आएगा उस क्यूटेंट का फिर इस टाइप से क्या करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे, फिर दो फैक्टर और निकल के आएंगे। ठीक है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और उसको चेक करेंगे, देखना एक बार। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब, क्वेश्चन आपका एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स, माइनस का नाइन एक्स और माइनस का फाइव। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब यहां पे पावर कितनी है, थ्री है, तो इसके फैक्टर कितने होंगे, थ्री फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले जो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है फाइव, ये किस किस नंबर से डिवाइड हो रही है, प्लस का वन से या माइनस के वन से, प्लस के फाइव से या माइनस के फाइव से, यही फैक्टर है इसके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो ये फाइव है इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस के फाइव, यही फैक्टर है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, एक्स के इक्वल प्लस का वन पुट करोगे, तो एक्स इज इक्वल टू में प्लस का वन, एक्स इज इक्वल टू में प्लस का वन क्या करोगे, इस पॉलीनोमियल में पुट करोगे। तो यहाँ पे
इस पॉलिनोमियल में आपने x की वैल्यू 1 पुट की है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 और यहाँ पे माइनस का 5। अब देखो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, वन का क्यूब क्या होगा, वन होगा, नहीं, वन का क्यूब क्या होगा, वन होगा, और माइनस थ्री और यहां पे वन का स्क्वायर, वन और वन इंटू थ्री कितना हुआ, थ्री, नाइन इंटू वन माइनस का नाइन और ये क्या है यहाँ पे माइनस का फाइव है यहाँ पे। देखो एक बार, अब देखो माइनस का फाइव, माइनस का नाइन और माइनस का थ्री, तो माइनस का नाइन माइनस ये सारे माइनस में हैं, ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का थ्री और माइनस का नाइन कितना हुआ, माइनस का ट्वेल्व है और माइनस का ट्वेल्व है और माइनस का फाइव कितना हुआ, माइनस का सेवनटीन, इसका मतलब वन माइनस का सेवनटीन तो यहाँ पे कितना गया माइनस का सिक्सटीन, यानी रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा अपना, जीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो वन है वो फैक्टर में नहीं आएगी, एक्स की वैल्यू जो वन है वो किस में नहीं आएगी आपकी, किस में नहीं आएगी, एक्स की वैल्यू वन किस में नहीं आएगी यहाँ पे, फैक्टर में, फैक्टर में। तो अब यहाँ पे क्या पुट करोगे, माइनस का वन, देखो माइनस का वन आप पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, माइनस के वन का क्यूब, यहाँ पे माइनस का वन का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस से वन, ठीक है। अब करो इसको आगे, नेक्स्ट देखो माइनस का वन का क्यूब है, माइनस के वन का क्यूब है, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का वन और यहाँ पे माइनस के वन का स्क्वायर है, प्लस में जाएगा, लेकिन यहाँ पे किस में आई है, माइनस में है, तो माइनस का थ्री, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस, और नाइन इंटू वन क्या हुआ, नाइन, और ये हो गया माइनस का फाइव। अब देखो माइनस का वन और माइनस का थ्री, माइनस का वन और माइनस का थ्री और माइनस का फाइव कितना हुआ टोटल, ये माइनस का नाइन हुआ और ये क्या है आपका, प्लस का नाइन है। अब माइनस का नाइन और प्लस का नाइन क्या हो गया यहाँ पे आपका, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो x इज इक्वल टू माइनस वन है, इसका ट्रांसफर कर दोगे, x प्लस वन ऑन x प्लस वन, ये किसका फैक्टर है, x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव का क्या है, एक फैक्टर है। आ गया सबके समझ में, ये समझ में आ गया क्या सबके, यस सर। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, अभी तक तो आपने एक फैक्टर कंफर्म किया है कि एक फैक्टर ही निकाला है, अब नेक्स्ट टू फैक्टर और निकालने हैं। अब नेक्स्ट टू फैक्टर कैसे निकालोगे, नेक्स्ट टू फैक्टर कैसे निकालोगे, जो आपका ये पॉलिनोमियल है कौन, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स और माइनस का फाइव, इस पॉलिनोमियल को जो आपने फैक्टर निकाला है कौन, एक्स प्लस वन फैक्टर जो आपने फाइंड आउट किया है, उससे क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन से क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे और डिवाइड करके क्यूटेंट फाइंड आउट करना है, क्या करना है, क्यूटेंट फाइंड आउट करना है। तो क्यूटेंट कैसे करेंगे, अपने लास्ट क्लास में स्टडी की थी, सबसे पहले मेरे को किसको रिमूव करना है यहाँ से, एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब कैसे होगा कि इसके नीचे एक्स क्यूब आएगा, तो इसके इस एक्स को ऐसे कौन से डिजिट से या ऐसे कौन से पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हुआ यहाँ पे, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू प्लस का वन, ये भी प्लस में है, ये प्लस में है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और वन इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे yes, तो ये माइनस में हो गया और ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये एक्स क्यूब किस में है, प्लस में, और ये एक्स क्यूब किस में हो गया, अब माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये
कैंसिल कट जाएगा. अब ये 3x किसका है? माइनस का. माइनस. ये x स्क्वायर किसका हो गया? माइनस का. प्लस प्लस. माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हुआ? माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हुआ? माइनस का. माइनस का 4. माइनस का 4 x स्क्वायर. माइनस का 4 x स्क्वायर. और इस वेरिएबल जो टर्म है इसको ऐसे कैसे नीचे नोट कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9x और माइनस का 5. इशू डाउन इसमें. अब क्या करेंगे? जो नेक्स्ट टर्म है आपकी, वो नेक्स्ट टर्म ये है कि माइनस का 4x लेके आना है. क्या करना है? अब माइनस का 4x लेकर आना है. तो कैसे करेंगे इसको? किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस x को? ऐसे कौन से वेरिएबल से या ऐसे कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस का 4x स्क्वायर आ जाए? 4x माइनस के 4x हैं. किससे करोगे? माइनस के. यहाँ पे साइन किसका है? तो माइनस का 4x इनटू प्लस का x क्या हुआ? माइनस का 4x स्क्वायर. अब ये किसमें है? माइनस में. ये किसमें? माइनस में. प्लस में. प्लस में. इनटू माइनस क्या हुआ? माइनस. और 1 into 4x 4x. अब सब्ट्रैक्ट करोगे. अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे करोगे? जो साइन प्लस का है वो उसको क्या किसमें कर दोगे? माइनस में. और जो माइनस में किसमें हो जाएगा? प्लस में. तो यहाँ पे ये प्लस में और ये भी किसमें हो गया? आपका प्लस में हो गया. अब देखो ये 4x स्क्वायर किसका है? प्लस का. माइनस का. और ये किसका है? प्लस. तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल कट जाएगा. और ये माइनस का 9x है. ये क्या है? माइनस का 9x. और ये 4x इसका है? प्लस का. प्लस. माइनस का 9 और प्लस का 5 कितना हुआ? 4. माइनस का 4. माइनस का 4 x. और इसको ऐसे के नीचे नोट कर देंगे माइनस का 5. माइनस. अब बताऊं ऐसे कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा कि माइनस का 4x आ जाए? किससे करोगे? माइनस के 4 से करोगे. तो माइनस का 4 इनटू माइनस का 4 इंटू सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएगा. यहाँ पर क्या आएगा? 5 x आएगा. यहाँ पे देखो 9 माइनस का 9 और 4 5 होता है. कितना यहाँ पे आएगा आपका? माइनस का 5 आएगा यहाँ पे. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस के 5 से. माइनस का 5 इंटू x क्या हुआ? माइनस का 5 x. और माइनस 5 इंटू प्लस 1 कितना हुआ? माइनस 5. अब क्या करोगे इसको? सब बोथ प्लस में. ये प्लस और ये भी प्लस. नीचे वाले प्लस हो जाएंगे. जीरो. और ये भी क्या हो जाएगा? जीरो. रिमाइंडर कितना रहा है? जीरो. रिमाइंडर कितना? जीरो. इसका मतलब क्या हुआ? जीरो. ये अपना फैक्टर है. चेक हो गया ना? यस सर. इसका मतलब अपना फैक्टर है क्या ये? यस सर. रिमाइंडर क्या रहा है यहाँ पे? जीरो आ रहा है. जीरो. अब नेक्स्ट चीज आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि जीरो है. अब ये फैक्टर तो आपने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था. अब आपको तो दो और निकालने हैं. टू और फैक्टर निकालने हैं. वो टू फैक्टर कैसे निकालोगे? अब वो टू फैक्टर कैसे निकालोगे? जो आपने क्यूटेंट निकाला है. जो आपने क्यूटेंट निकाला है. और क्यूटेंट क्या निकाला आपने? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का फैक्टर करना है. इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है. और प्राइम फैक्टर कैसे करोगे? सेम वही मेथड. कौन सा? इसको इससे क्या करोगे? मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 5x आना चाहिए. 5x स्क्वायर आना चाहिए. अब सुनो एक बार. मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? माइनस का 5x स्क्वायर. माइनस में कब आएगा? माइनस में कब आएगा? जब एक नंबर किस में होगा? प्लस में. प्लस में. एक नंबर किस में होगा? माइनस. एक माइनस में. क्योंकि प्लस इनटू माइनस क्या होता है? माइनस. माइनस. कौन सा नंबर माइनस में होगा और कौन सा नंबर प्लस में होगा वो डिपेंड करता है यहाँ पे इस चिन्ह के ऊपर, इस साइन के ऊपर. ये साइन किसका है? माइनस. तो इसका मतलब बड़ा नंबर किस में होगा? माइनस. माइनस में. और छोटा नंबर किस में होगा? प्लस में. तो ये बताओ यहाँ पे क्या होगा इसका फैक्टर? इसका फैक्टर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x. अरे 5x इनटू 5x से 5x 4x 5x 1x
और माइनस का 5 और प्लस का 1 कितना हुआ? माइनस का 4 4 आ गया ना ये, और इसको ये हो गया आपका प्लस का 4। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? एक्स माइनस का 5। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? 1 1 1। यहाँ पे प्लस का माइनस का? प्लस प्लस का, प्लस का 1। तो यहाँ पे एक्स माइनस है 5। दोनों ब्रैकेट कॉमन है क्या? यस सर। एक तो क्या, एक फैक्टर तो कौन सा हो गया आपका? एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस नो एक्स प्लस प्लस 1। चलो टू फैक्टर आ गए। अब यस सर, ये रहा एक फैक्टर आपका, ये रहा। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस 1। देखो दोनों फैक्टर सेम है क्या? यस सर, सेम भी आ सकते हैं और डिफरेंट भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले क्या करोगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उस कांस्टेंट वैल्यू के फैक्टर आपको क्या करने हैं, चॉइस करना है कौन कौन हो सकता है। तो कि ये लास्ट का नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है, तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस 1 से भी डिवाइड हो रहा है, प्लस माइनस 2 से 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेगा इसको? यस सर। नोट कर लिया सबने? नो नो सर, कर रहे हैं अभी। फटाफट जल्दी से करो बेटा, एक ही करना पड़ेगा। अरे डस्ट तो दे जाओ मेरे को। एक बार सभी स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन करें। ऑल स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन करें एक बार सभी के सभी। जो वीडियो ऑन नहीं करा इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो केयरलेस है अपने आप में, या तो सो रहे होंगे वो मेरे हिसाब से, है ना। नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? यस सर। मेरा नोट करने की बजाय इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में देख लिया करो आप इसको, ठीक है ना सर? यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको भी आपको फैक्टर करने हैं। एक्स की पावर एक्स क्यूब, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20। अब बताओ फटाफट से जल्दी से इसके फैक्टर कौन सा होगा, पहला फैक्टर कौन सा होगा, इसका पहला फैक्टर कौन सा होगा। देखो ये जो 20 है ये किस किस से डिवाइड हो रहा है, किस किस से डिवाइड हो रही है? प्लस माइनस 1 से, प्लस माइनस 2 से, ठीक है। नेक्स्ट क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। फिर किस से? प्लस 4 से, प्लस माइनस से 4 से। नेक्स्ट प्लस माइनस 5 से। फिर नेक्स्ट प्लस माइनस 10 से, और फिर प्लस माइनस 20 से। आपको इनमें से कोई भी एक नंबर रख के चॉइस करना है, या तो प्लस का 1 पुट कर लो या फिर माइनस का 1 पुट करो, फटाफट जल्दी से। प्लस का
स्टूडेंट्स, मतलब बेटा फर्स्ट फैक्टर क्या है इसका? किसी ने किया क्या? फर्स्ट फैक्टर क्या है इसका? सर सॉल्व कर रहे हैं. सर x प्लस वन यस सर. इसका मतलब आपने माइनस में वन वैल्यू पुट की होगी. यस सर. वेरी गुड, सही आंसर. सबसे पहले आपने क्या पुट किया यहाँ पे? x इज इक्वल टू में माइनस वन. x इज इक्वल टू में माइनस वन. तो यहाँ पे हो गया आपका p x इज इक्वल टू में माइनस वन का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस वन का स्क्वायर और प्लस 32 इंटू माइनस वन और प्लस का 20. देखो माइनस वन का क्यूब क्या होगा यहाँ पे? माइनस वन और माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन प्लस का वन और प्लस का वन इंटू 13 कितना हुआ? प्लस का 13 और ये प्लस इंटू माइनस है माइनस का. ये प्लस का है तो माइनस का ये प्लस का ये प्लस का तो प्लस का 30 प्लस का 33 क्या गए यहाँ पे? जीरो. का मतलब फैक्टर है ये. यस सर. कैसे? x इज इक्वल टू माइनस वन तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. तो ये फैक्टर है आपका. अब क्या करोगे इसको? इस पॉलीनोमियल डिवाइड करेंगे. डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे? डिवाइड करोगे. डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका?